ये है डीजल पंप, और डीजल पंप के ऊपर ये है कैप ढक्कन, जहाँ से हम इसमें ऑयल डालते हैं डीजल पंप में। तो इस कैप के बारे में, इस ढक्कन के बारे में बारीकी से आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। एक एक चीज को बारीकी से जानेंगे और देखेंगे कि कैसे ये काम करता है और कैसे इसको हम साफ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये लॉक निकाल लेंगे, इसका रिटेनर कह लीजिए, इसको सर्कुलेट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो इस तरह से रहता है ढक्कन, इसको मैंने खोल लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि दो जाली होती है इधर की साइड में, एक ये अंदर जाली है और एक ये बाहर की साइड में। ये घूम के ऐसे एक दूसरे के सामने भी आ जाती है, अपोजिट भी आ जाती है। बीच में जो ये दिख रहे हैं आप, ये एक वायर गेज होता है एक तरह से, ये हवा को साफ करने के लिए होता है। तो जब हवा की आवश्यकता होती है तो हवा इधर से खींचता है और यहाँ से साइड में से जो गैप बनता है वहाँ से हवा आके और फिर इधर से घुसती है और अंदर हवा चली जाती है जब हवा की आवश्यकता होती है। तो ये अब हमने साफ कर लिया, अब इसको लगा देंगे ऐसे रख के। ऊपर से ये सर क्लिप डाल देंगे, टेम्परेरी सर क्लिप बनी हुई है, लॉक कह लीजिए इसको। तो इस तरह से पूरी सेट हो गई है, साफ कर दिया हमने। अब हम इसको दोबारा वहीं पे फिट कर देंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।